अब मैं बुलाने जा रहा हूं गौतम राज धीरज को, जिनकी जिनकी अपनी एक अलग दुनिया है और अपने अलग मयार के लिए वो जाने जाते हैं। तो मैं एक शेर के साथ गौतम राज धीरज को आवाज़ दे रहा हूं कि हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। बेहद स्वागत है गौतम राज धीरज। बहुत शुक्रिया रोशन, आवाज़ आ रही। सभी बड़ों की इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ। बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। जब से गए हो तुम यहाँ सब कुछ उदास है, जब से गए हो तुम यहाँ सब कुछ उदास है, जाने तुम्हारे बाद इस आंगन को क्या हुआ। मुझसे बिछड़ के खुश तो है तू ऐ हसीन शख्स, मुझसे बिछड़ के खुश तो है तू ऐ हसीन शख्स, लेकिन ये तेरे होंठ के थिरकन को क्या हुआ। लेकिन ये तेरे होंठ के थिरकन को क्या हुआ। एक गजल के चंद अशार देखे। जब से मेरी गोयाई वापस आ गई, जब से मेरी गोयाई वापस आ गई, लगता है पाई पाई वापस आ गई, लगता है पाई पाई वापस आ गई। मैं लाख चीखा पर मेरी आवाज बस, मैं लाख चीखा पर मेरी आवाज बस, दीवार से टकराई वापस आ गई। बहुत मैं लाख चीखा पर मेरी आवाज बस, दीवार से टकराई वापस आ गई। एक इश्क के दम पर हरा कर मौत को, एक इश्क के दम पर हरा कर मौत को, देखें कि मीराबाई वापस आ गई। बहुत शुक्रिया। देखें कि मीराबाई वापस आ गई। खुद को अकेला पाके मैं रोने को था, खुद को अकेला पाके मैं रोने को था, फौरन मेरी तन्हाई वापस आ गई, फौरन मेरी तन्हाई वापस आ गई। ये जिंदगी समझाने पहुंची मौत को, ये जिंदगी समझाने पहुंची मौत को, कुछ देर तक समझाई वापस आ गई। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार देंगे। कुव्वत नहीं कि रख सके संसार रोक कर, कुव्वत नहीं कि रख सके संसार रोक कर, मुझको रखे हुए हैं मेरे यार रोक कर, मुझको रखे हुए हैं मेरे यार रोक कर, दुनिया की ओर तेजी से मैं भागता हूं पर, दुनिया की ओर तेजी से मैं भागता हूं पर, अंदर में कोई बैठा है रफ्तार रोक कर। बहुत शुक्रिया। अंदर में कोई बैठा है रफ्तार रोक कर, अच्छा है मेरे दोस्तों के दोस्त निकले तुम, अच्छा है मेरे दोस्तों के दोस्त निकले तुम, वरना मैं बैठता नहीं तलवार रोक कर। अच्छा है मेरे दोस्तों के दोस्त निकले तुम, वरना मैं बैठता नहीं तलवार रोक कर, उनके इशारे पे ही हर एक चीज रुकती है, उनके इशारे पे ही हर एक चीज रुकती है, गीता का ज्ञान दे दिया संसार रोक कर। एक गजल के तंद अशार देखेगी।
तुम करते होगे प्यार उसे, मुझको प्यार नहीं। तुम करते होगे प्यार उसे, मुझको प्यार नहीं। वो यार है तुम्हारा कोई, मेरा यार नहीं। पहलू में मेरे उम्र भी है, इंतजार भी। पहलू में मेरे उम्र भी है, इंतजार भी। ये उम्र खत्म हो रही है, इंतजार नहीं। बहुत शुक्रिया। ये उम्र खत्म हो रही है, इंतजार नहीं। तू तीर अपने हुस्न का, तू तीर अपने हुस्न का धीरे से खींचियो। तू तीर अपने हुस्न का धीरे से खींचियो, ताकि तू मेरे दिल में रहे, दिल के पार नहीं। बहुत शुक्रिया। अपने हुस्न का धीरे से खींचियो, ताकि तू मेरे दिल में रहे, दिल के पार नहीं। मेरी सदाएं सुन के भी बरसाए उसने जख्म, मेरी सदाएं सुन के भी बरसाए उसने जख्म। मैं लाख चीखता रहा, परवरदिगार नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं लाख चीखता रहा, परवरदिगार नहीं। ए जुल्म करने वाले, जरा इतना सोच ले। ए जुल्म करने वाले, जरा इतना सोच ले। क्या हो कभी जो कह दूं तुझे अब की बार नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशआर देखेंगे। मैं कब से कह रहा था कि मत मार पाओ मैं, मैं कब से कह रहा था कि मत मार पाओ मैं। वे लोग फिर भी उलझे थे बेकार पाओ में। थोड़ी सी अकलाई की इतरा रहा है तू, थोड़ी सी अकलाई की इतरा रहा है तू। रहते हैं तेरे जैसे समझदार पाओ में। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी अकलाई की इतरा रहा है तू, रहते हैं तेरे जैसे समझदार पाँव में। सुध बुध गंवा के बैठी है वो लड़की इश्क में, सुध बुध गंवा के बैठी है वो लड़की इश्क में। पायल गले में डाल ली है, हार पाँव में। सुध बुध गंवा के बैठी है वो लड़की इश्क में। पायल गले में डाल ली है, हार पाँव में। किससे उलझ रहा है उसे ये नहीं पता, किससे उलझ रहा है उसे ये नहीं पता। गिरता है उसके कुनबे का सरदार पाँव में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी दो तीन शेर पढ़ के विदा लेता हूँ। या रब तेरे गुमान से आगे की चीज है, या रब तेरे गुमान से आगे की चीज है। हम लोग इस जहान से आगे की चीज है, तू किस तरह से हम पे कोई तीर खींचेगा, तू किस तरह से हम पे कोई तीर खींचेगा। हम तो तेरी कमान से आगे की चीज है। बहुत शुक्रिया। हम तो तेरी कमान से आगे की चीज है। मौला हम ऐसे लोगों का थोड़ा तो ध्यान रख, मौला हम ऐसे लोगों का थोड़ा तो ध्यान रख, या हम भी तेरे ध्यान से आगे की चीज है। बहुत शुक्रिया। मेरा कास्ता है, बड़े गौतम, बड़े आप।
एक नज्म का आदेश हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। एक नज्म सुनिएगा। मैं आंखें खोलता हूँ जब तो खिड़की ढूंढता हूँ पर, मैं आंखें खोलता हूँ जब तो खिड़की ढूंढता हूँ पर कोई खिड़की नहीं दिखती कि जिससे रोशनी आए, मगर कुछ देर के अंदर कई किरणें जमा होकर किसी छोटे दरीचे से मेरे कमरे में घुसती है। इधर कमरे की सारी धूल उन्हीं किरणों से मिलकर के कई आकार देती है, कई चेहरे बनाती है। इधर कमरे की सारी धूल उन्हीं किरणों से मिलकर के कई आकार देती हैं, कई चेहरे बनाती है। तो मैं ये देखता हूँ जब अचानक चौंक जाता हूँ, उसी में एक चेहरा है जो बिल्कुल तुमसे मिलता है। उसी में एक चेहरा है जो बिल्कुल तुमसे मिलता है, कि इसकी आंखें भी जैसे कोई गहरा सा दरिया हो, वही दरिया की जिसमें अगर कोई चालाक मल्लाह भी अगर उतरे कई सदियां उसी में उलझा रह जाए, कभी बाहर निकलने का उसे जो ध्यान आए तो उसी दरिया के भंवरों में बेचारा फंसता रह जाए। अधर भी ऐसे हैं इसके कि जिसके एक चुंबन को तरसते हैं कई माथे, अधर भी ऐसे हैं इसके कि जिसके एक चुंबन को तरसते हैं कई माथे, कई माथे जो ऐसे हैं कि कई माथे जो ऐसे हैं कि जैसे हो कोई सहरा किसी बारिश की आशा में, अगर ये चूम ले इनको तो ये मदमस्त हो जाए, जहाँ पर सहरा है वहाँ पर घना जंगल निकल आए। मैं जब हाथों को देखा तो लगा जैसे ये छू करके किसी भी आदमी के लाश को जिंदा बना देगी, मैं जब हाथों को देखा तो लगा जैसे ये छू करके किसी भी आदमी के लाश को जिंदा बना देगी। मुझे लगता है शायद इसलिए भी मिस्र में फैरों की लाशों को सुरक्षित रख लिया होगा, मुझे लगता है शायद इसलिए भी मिस्र में फैरों की लाशों को सुरक्षित रख लिया होगा कि एक दिन जब कोई कोमल से हाथों संग इन्हें छूने को आएगी तो इनमें जान फूकेगी, इन्हें जिंदा बनाएगी। मैं इन सोचों में डूबा हूँ, अचानक से कोई आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। मैं इन सोचों में डूबा हूँ, अचानक से कोई आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। ये वो आवाज़ है जिसने कई टूटे हुए दिल को रखा है जोड़ कर ऐसे कि गाती थी कोई गाना लता मंगेशकर जैसे। ये वो आवाज़ है जिसने कई टूटे हुए दिल को रखा है जोड़ कर ऐसे कि गाती थी कोई गाना लता मंगेशकर जैसे। ये वो आवाज़ है जिससे गवैये धुन चुराते हैं, ज़रा तब्दीलियाँ करके इसे अपना बताते हैं। अचानक से यही आवाज़ ज़रा सी तेज होती है, मुझे ये गालियाँ देकर मुझे नीचा दिखाती है। ये कहती है सुनो पागल तुम्ही एक हो नहीं जिसने कि मुझको अपना समझा है, फकत अपना ही समझा है। मैं इन बातों को सुनकर के बहुत हैरान होता हूँ, मुझे ये ख्याल आता है मोहब्बत का यही अंजाम है शायद, कि मरना ही यहाँ एक काम है शायद। तो ज़िंदा रह के क्या करना, चलो अब खुदकुशी कर लें, तो ज़िंदा रह के क्या करना, चलो अब खुदकुशी कर लें। मेरे कमरे में पंखा है मगर रस्सी नहीं कोई, तो ज़िंदा रह के क्या करना, चलो अब खुदकुशी कर लें। मेरे कमरे में पंखा है मगर रस्सी नहीं कोई, सो रस्सी ढूंढने को मैं भटकता हूँ कई घंटों मगर रस्सी नहीं मिलती। तब आखिर तंग आ करके मैं आँखें बंद करता हूँ कि रस्सी ध्यान में आए। जब आँखें बंद होती है मुझे एहसास होता है कि आगे एक पर्दा है जो लगभग गिर गया है। अब तमाशा चल रहा था जो बुराई ख्वाब था शायद, खुले आँखों से दिखता था जो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका है।